नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता आंखों देखी न्यूज़ से। आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान, जिसको कि अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, यहां पर तीसरा वह फाइनल मैच भारत तथा साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसको कि भारत ने वन साइडेड मैच करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से जीता। 5 दिन से दिल्ली के आसपास के एरिया में बारिश के चलते इस मैच के होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 2 घंटे पहले ही बारिश रुकी और ग्राउंडमैन ने इसे खेलने लायक बना दिया, जिसको कि इंडिया ने जीतकर ग्राउंडमैन तथा सभी भारतवासियों को दीपावली का बहुत बढ़िया तोहफा दे दिया। नमस्कार, मैं आंखों देखी न्यूज से मुकेश गुप्ता, न्यूज 24x7। आज मैं फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पे हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका को 99 रन पे आउट कर दिया इंडिया ने, बहुत ही जल्दी आउट कर दिया है। यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है जो मैच देखने के लिए आई हुई है, लगता है 1.25 घंटे में मैच खत्म हो जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं, जरा यहाँ पे सारी पब्लिक को दिखाएं, जरा देखिए किस कदर यहाँ पे डांस करके लोग अपना दिखाएं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मौजूद है शख्स, नमस्कार गर्व गर्व जी, 99 रन पे आउट कर दिया सर। हाँ जी, क्या सोचते हैं आप, कितनी देर में मैच खत्म हो जाएगा सर? 15 ओवर में खत्म हो जाएगा। 15 ओवर में, तो देखिए 15 से 20 ओवर में बोल रही है पब्लिक के 15 से 20 ओवर में इंडिया मैच खत्म कर देगी। देखिए तिरंगा किस तरीके से लहरा रहा है, भारत माता की जय। तेंदुलकर जी के नाम से जो मशहूर हैं, और इधर पीछे धोनी, भारत हमारे देश के दो महान क्रिकेटर, ये देखिए शंखनाद कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ यहाँ पे धोनी जी मशहूर, ये देखिए किस तरीके से फ्लैग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आगे तेंदुलकर के फैन हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं जरा, एक तरफ तेंदुलकर के फैन और एक तरफ धोनी के फैन। फिरोजशाह कोटला में हमारे धोनी जी के फैन हैं, मैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करूंगा। धोनी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया पाजी, जीत गए आज चक्रा फटे, भारत माता की जय। लेके क्या तैयारी चल रही है आपको? बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो गया, बस 23 तारीख का इंतजार है,
फिर पाकिस्तान का हरा के इंडिया एक बार फिर इतिहास रचेगा। तो देखिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हरा के एक बार फिर इतिहास रचेंगे। तो ये धोनी जी जो आप जिस तरह का रूप बना रखा है धोनी जी का, इसको सबके लिए क्या पढ़ना है? बस यही है, धोनी पाजी अमर है और ये नाम हमेशा अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा धोनी सर का नाम रहेगा। भारत माता की जय। देखिए धोनी जी का नाम मशहूर हो रहा है जबकि वो पहले से किसी शिखर पे बैठे हुए हैं। एक तरफ धोनी जी, एक तरफ तेंदुलकर जी। फिरोज शाह कोटला मैदान में आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस कदर भीड़ लगी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाने की कोशिश करें उधर। इनाम वितरण की सेरेमनी हो रही है और इधर धोनी और तेंदुलकर जी एक तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं आंखों देखी न्यूज से मुकेश गुप्ता, न्यूज 24x7।